नमस्कार दोस्तों, ज्वाला टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे 2.1 एम्पलीफायर का पार्ट 4 है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इसको जो ब्रिज करूँगा, मैं इसके पावर टेस्टिंग करके दिखाऊँगा कि 6 पेयर हमारे कितना आउटपुट निकालते हैं। मैंने तीन पेयर एक चैनल में लगा रखे, तीन पेयर एक चैनल में लगा रखे, 1000 वाट वीडियो रखा वाला बोर्ड है ये, वीडियो रखोला का, जिसमें कि मैंने इसको ब्रिज किया है, 300+300 को जोड़ दिया है। अब देखते हैं, ये हमारा देख लो, ये हमने सॉफ्ट स्टार्ट बनाया हुआ है, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिज मोड में हमारे दोनों प्लस प्लस के वायर लगते हैं, माइनस का नहीं लगेगा। ये हमने लगा दिया है, ये हमारा सॉकेट लगा दिया हमने, जो कि हमारा ये 1000 वाट का मीटर है, स्पेस का कनेक्ट हो रखा है और ऊपर लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, देख रहे हो आप। और ये हमारा ऑसिलोस्कोप है, अब मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा कि कितना वाट दे रहा है। इस पर जो वाट देखेगा वो फेक होगा, उसको चेक नहीं करना हमें, क्योंकि इनपुट वाटेज ले रहा है। और मेन वाट ये होता है कि इस पर हमारा कितना वाट आ रहा है, और ये ऑसिलोस्कोप बताएगा कि सिग्नल क्लिप पे आ रहा है कि प्योर आ रहा है, ठीक है। ये हमने 1 kHz की फ्रीक्वेंसी दी है फ़ोन के अंदर, आपने देखिए दिख रहा होगा आपको, 1 kHz की फ्रीक्वेंसी दी है हमने, ठीक है। तो मैं इसको चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखना गौर से, दोनों मीटर में देखना कि दोनों मीटर, इस मीटर में कितना वाट आ रहा है और इस मीटर में कितना वाट आ रहा है, ठीक है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ पहले आपको, देखो ये मैंने ऑफ़ किया, मीटर को ऑन किया, अब मैं वॉल्यूम खोलूँगा धीरे धीरे, अब देखना उस पर कितना वाट जाएगा, इस पर कितना वाट जाएगा। अब देखिए, वहाँ 1000 वाट है और वहाँ 1900 वाट है। तो दोस्तों, ये वाट मायने नहीं होता, इस पर जो वाट होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो लोड ले रहा है। मेन हमारा स्पीकर का आउटपुट वाटेज होता है और उसी को RMS बोलते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ, आप इस पर गौर देना। आप देखिए, 1000 वाट पार चले गया है, लेकिन क्लिप हमारा नहीं आया है। अब देखना, दोनों को देखना गौर से, क्लिप नहीं आएगा हमारा, 1000 वाट पार हो जाएगा। ये देखिए, 1000 वाट है लेकिन क्लिप नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जो हमारा इस मीटर का वाट होता है ना, इसको मायना नहीं रखता, वो एम्पलीफायर लाउड ले रहा है, उसको मायना मत रखना। यूट्यूब पे आपको इसी वाट मीटर पे चेक करके दिखाते हैं कि इतना वाट हमारा एम्पलीफायर ले रहा है। लेकिन जो RMS वाटेज होती है ना, वो हमारी इस मीटर से होती है, जो कि हमारे लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, इससे हमारी RMS वाटेज निकाली जाती है। और इसी हमारा ऑसिलोस्कोप है, इस पर क्लिप नहीं आएगा, क्लिप नहीं आने पर हमारा जितनी RMS वाट आ रही है उसी को हम RMS वाट बोलते हैं। ये हमारी 1000 वाट 4 ओम पे हमारा 1000 वाट निकाल रहा है। मैं दोबारा आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये हमारा गेन है, गेन ये वॉल्यूम है हमारा, मैं खोल रहा हूँ इसको, अब आप देखना, गौर से देखना दोस्तों। देखिए, क्लिप नहीं है और 1000 वाट पूरा पहुंच गया 4 ओम के ऊपर, ठीक है। और आप दूसरे मीटर पे देखना, डिजिटल मीटर पे, उस पर कितना वाट जाएगा देखना, उस पर देखो 1925 वाट है और इधर हमारा 1000 वाट है। तो वो वाटेज हमारा मायने नहीं होता, हमारा मायने होता है ये वाला वाट, और इसको बोलते हैं हम RMS वाट। अब मैं इसको 8 ओम पे करता हूँ, ये हमारा आप 4 ओम पे था, मैं इसे 8 ओम पे करता हूँ, ये हमारा 8 ओम पे हो गया। 8 ओम पे देखना कितना वाट हमें दे रहा है, एट ओम पे हमारा 1000 वाट दे रहा है प्योर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख ली, जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपने देखा कि 6 पेयर के अंदर हमें 1000 वाट से भी ज़्यादा पावर मिल रही है प्योर। तो ये मायना नहीं होता कि हम कितने पेयर ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं। हमारा ड्राइवर बोर्ड हैवी होना चाहिए, पावर सप्लाई हैवी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हीट सिंक हैवी होनी चाहिए। ये यूट्यूब पर दिखाते हैं, इतना पेयर लगाओ, इतना पेयर लगाओ, 10 पेयर लगाओ तब 1000 वाट मिलेगा, और 20 पेयर लगाओ तो 2000 वाट मिलेगा। मैं 10 पेयर के अंदर ही 2000 वाट निकाल के दिखा दूंगा आपको। और दोस्तों दूसरी बात ये है, जो हमारे बहत्तर 94 के जो हमने कार्ड लगाए थे, इसमें हमारी दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि हमारा यहाँ से वोल्टेज और पावर कुछ ज़्यादा आ रही है, तो IC हमारी बार बार ख़राब हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये बोर्ड निकाल देना है, और यही एक और वीडियो कॉल का बोर्ड लगा के 200+200 का बोर्ड हमें इसमें एक और लगाना है। तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटेज चेक करने के लिए मैंने चेक करके दिखा दी है, तो आपको ये नॉलेज होगी होगी कितने वाट पे कितना पावर निकलता है, कितने ट्रांजिस्टर पे कितने पावर निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें आप दोस्तों, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो, और नॉलेज चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, जल्दी इसे कंप्लीट करके मैं इसका 2.1 चेक करके दिखाऊंगा आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय।